एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाज़िया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, इसका टाइटल है। सो आज हम लोग अयोध्या की जो के बारे में जो अपडेट्स हैं वो जानने वाले हैं। व्लॉग है कुछ, इनके चैनल का नेम है दास ट्रॉलर। सो वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। अंदर से क्या सब चीज पकड़ लेवे ना, इसके लिए देना पड़ेगा। और कौन, अगरबत्ती का बहुत ही बड़ा आकार होने के कारण इसे आसानी से जलाया जाना पॉसिबल नहीं था। और आप जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। स्वागत है आपका नए वीडियो में द स्ट्रॉलर यूट्यूब चैनल पे। आप सबको पता होगा आजकल मैं अयोध्या के अपडेट्स आपको दे रहा हूँ और अयोध्या धाम में होने वाले परिवर्तन, जो भी ड्रेस्टिक चेंज हो रहे हैं या कोई भी छोटा मोटा भी परिवर्तन होता है तो मैं उसका अपडेट आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने दे देता हूँ। और आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है, आपने थंबनेल पे देखा होगा। हम सबको पता है कि 108 फीट की अगरबत्ती गुजरात के वडोदरा से अयोध्या धाम लाई गई है और उसे पहले प्रायोजन ऐसा था कि उसे राम मंदिर में इंस्टॉल किया जाना था और वहीं पर उसे प्रज्वलित किया जाता और एक महीने से 45 दिन के बीच, यानी कि 30 से 45 दिन का रेंज था उसका जलने का और वो पूरा मंदिर परिसर उससे महकता और ऐसा कहा जा रहा था कि पूरा अयोध्या ही महकता। बट सड़कों के चौड़ाईकरण का कार्य अभी चल ही रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है, इस वजह से वो मंदिर प्रांगण में नहीं ले गई गई है फिलहाल। फिलहाल उसे यहीं पर जलाया गया है और ले जा पाना संभव भी नहीं था, इस वजह से यहीं पर जलाया गया है और आज उसे जला दिया गया है, यानी 108 फीट की अगरबत्ती को प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कैसी है वो और जलते वक्त कैसी होती है, कितना धुआं देती है भाई, और बात बात भी करते हैं लोगों से कि उनका एक्साइटमेंट लेवल कैसा है। और अयोध्या धाम बस अड्डे पे ही जलाई गई है तो आने वाले 1-1.5 महीने जलने ही वाली है, तो आप लोग अगर चाहें तो यहाँ देख सकते हैं आकर के अयोध्या धाम बस अड्डे पे। लेते हैं लोकेशन की अगरबत्ती कहाँ पे प्लांट की गई है, तो सामने आप देख रहे हैं अयोध्या धाम बस अड्डे का बोर्ड और वहां से जब आप सीधे आएंगे तो आपको मेन बस स्टेशन दिखेगा जहां पर ये बोर्ड पे लिखा हुआ है बस स्टेशन अयोध्या धाम। यहाँ से ठीक दाहिनी ओर आपको आना है और पूरी की पूरी अगरबत्ती आपको दिख जाएगी, 108 फीट की अगरबत्ती पूरी आपको यहाँ से दिख जाएगी। और इसकी जो रेंज है वो 108 फीट है और साथ ही साथ जो जलने की टाइम लिमिट है वो है 1 महीने से 45 दिन तक क्लेम की जा रही है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये 2 महीने भी जलने वाली है, बट ये मौसम की कंडीशन पे डिपेंड करता है। और साथ ही साथ मान लीजिए अगर धूप खुलने लगा तो ये 1 महीने तक ही जलेगी और इसी प्रकार का हेजी मौसम रहता है तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसे 45 दिन तक जलना ही जलना है। तो इस अगरबत्ती के जस्ट पीछे आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम भगवान के मंदिर की आकृति भी बनाई गई है। ये वही बोर्ड है जो कि ट्रक में लगा करके लेके आया गया था और ये बेसिकली वही फ्रेम है। आप देखिए इसको कितने अच्छे से पैक करके लेके आया गया था, ये पूरा आई थिंक कि फाइबर का बनाया गया फ्रेम है, पूरा फाइबर का बनाया हुआ फ्रेम है जिसमें अगरबत्ती को अंदर डाल करके लेके आया गया था। और आप ठीक बगल अगरबत्ती देख सकते हैं, यहाँ से उठा करके इसे निकाल करके यहाँ लगाया गया। अभी उस पॉइंट पे चलेंगे हम जहाँ पर जिस तरफ से इसे प्रज्वलित किया गया है, मगर आप इसकी गहराई और मोटाई देखिए फाइबर की, कितने अच्छे से इसे पैक करके वडोदरा से लेके आया गया था। जैसे आपको पता है 15 से 20 दिन का समय लगा था ऑलमोस्ट वहाँ से यहाँ आने में और लोगों ने जलसे से स्वागत किया था, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कितना मोटा फ्रेम है ये देखो। और लकड़ी के खांचे में इस तरीके से पूरा 108 फीट लंबा फ्रेम बनाया गया था जिसके अंदर इसे डाला गया था और अभी आज निकाल के इसे प्रज्वलित किया गया है। अगर मैं इसे छू करके भी अपना मतलब हाथ स्मेल करूँ तो बहुत अच्छा महक रहा है, पूरा अगरबत्ती वाला फील आ रहा है। और ये जो बोर्ड है ये वही ट्रक पर लगा हुआ था जिस ट्रक पर ही अगरबत्ती आई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगरबत्ती बनाववार, यानी कि इन्होंने ही अगरबत्ती बनाई थी, बिहा भाई करशन भाई, अभी इनसे भी मिलेंगे वहाँ पे चल के, उन्हें भी दिखाएंगे प्रज्वलित करने के बाद ये वहीं पे हैं। तो चलिए चलते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे अगरबत्ती, एक बार ये अगरबत्ती देखते हुए चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे ये अगरबत्ती प्रज्वलित की गई है जिस छोर से। जब आप बस अड्डे में घुसेंगे तो दाहिनी छोर से अगरबत्ती जो है प्रज्वलित की गई है और इसके स्टैंड को अगर देखेंगे वो भी भगवा रंग का ही बनाया गया है और काफ़ी मजबूत लोहे का स्टैंड बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है अगरबत्ती बहुत भारी है और इसे स्पर्श करके मतलब जीवन धन्य ऐसा ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि उस दिन का हमें सब कुछ अच्छे से याद है। उस दिन का हमें अच्छे से याद है कैसे लोग गाजे बाजे के साथ पूरा स्वागत कर रहे थे, जहां भी पहुंच रही थी अगरबत्ती लोग अपने घरों से निकल के, गांव से निकल के रोड तक आ रहे थे स्वागत करने के लिए इस अगरबत्ती का, इस अगरबत्ती की एक झलक देखने के लिए। और आज अगरबत्ती हमारे सामने, हम इसे स्पर्श कर सकते हैं तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ से प्रज्वलित की गई और पूरी तरीके से देखिए भगवा वस्त्र में इसे बांधा भी गया था, हर जगह पर देखिए भगवा वस्त्र में इसे बांधा गया है जलाने से पूर्व। और इस तरीके से सेक्शंस में डिवाइड किया गया है बांट बांट के। और बात करें अगर स्टैंड्स की, कितने स्टैंड्स यहाँ पर लगे हैं, तो
तो इस प्रकार के भगवा रंग के कुल 12 स्टैंडों पर रखी गई है 108 फीट की अगरबत्ती। तो 12 स्टैंड काफी मजबूत लोहे के बनाए गए हैं जिन पे ये अगरबत्ती रखी गई है, आपको पता है बहुत भारी है क्योंकि। और चलिए अब चलते हैं उस पॉइंट पे जहां से ये जलाई गई है। यहां पे देखिए लोग फोटो खिंचा रहे हैं, सब लोग चाहते हैं इस लम्हे को कैप्चर करना, बिकॉज ये आपको पता ही होगा एक ऐतिहासिक पल है जब ये अगरबत्ती जलाई जा रही है, क्योंकि इसकी हाइप आपको पता होगा पिछले 5-6 महीनों से चल रही थी, चाहे वो बनाववार हों चाहे और लोग हों, उनकी नजरें इसी पे थी कि कब बन के तैयार होती है, कब अयोध्या आती है और मंदिर में लगती है। फिलहाल ये चीज तो नहीं हो पाई क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है, आप देख रहे हैं, तो ये मंदिर तक नहीं जा पाई, इसे यहीं पे इंस्टॉल करके जलाया गया है। और ये शायद पहली अगरबत्ती होगी आपने देखी होगी अपने जीवन में जो पैरेलल जलाई जा रही है, क्योंकि इसका खड़ा कर पाना इसे संभव नहीं है और फिर बारिश वगैरह से भी इशू आ सकता है, इसलिए इसे खड़ा करके नहीं पैरेलल लैंडस्केप फॉर्म में इसे जलाया गया है, प्रज्वलित किया गया है। यहाँ पे देखिए हनुमान जी का स्वरूप में अंकल जी बैठे हुए हैं और इन्हें कौन नहीं जानता, पूरा देश इन्हें देखा है अगरबत्ती की जो है रक्षा करते हुए लेकर के आए हैं। कैसा लग रहा है दादाजी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। आज लग रहा होगा यात्रा जो आपने शुरू की थी आज से दिनों, कई दिनों पहले, वो आज सफल हुई क्योंकि अगरबत्ती जो है आज प्रज्वलित हो गई है। तो क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए जय जय श्री राम के नारों से, जैसा कि आपको पता ही है हनुमान जी जो है पूरे माहौल को बना देते हैं हमेशा, वैसा ही हुआ है। और देखिए किस प्रकार से यहाँ अगरबत्ती जलना प्रारंभ हो चुकी है, क्या कहना है सकते हैं। अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं है अगरबत्ती प्रज्वलित कर दी गई, वरना यहाँ पे बहुत भीड़ लग जाएगी। बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपके लिए जो है यहाँ पे डाल रहा हूँ। अगरबत्ती का प्रज्वलन हो चुका है लिटरली, और ये मतलब किसी को ज्यादा पता नहीं है, जो पर्यटक अभी बस से उतर रहे हैं, आपको पता ही होगा यहाँ पे धाम बस अड्डे का उद्घाटन हुआ, इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई, तो जो उससे पर्यटक उतर रहे हैं उन्हें ही पता है, तो वही आकर के देख रहे हैं और फोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं। साथ में अगरबत्ती के बनाववार आप देख सकते हैं सामने खड़े होकर मीडिया कर्मियों को इंटरव्यू दे रहे हैं, इनसे भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे अगर पॉसिबल हो पाएगा तो। तब तक आप विजुअल्स देखिए किस प्रकार से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं अगरबत्ती के साथ। अगरबत्ती का बहुत ही बड़ा आकार होने के कारण इसे आसानी से जलाया जाना पॉसिबल नहीं था, और आपको पता है अगरबत्ती पूजा सामग्री होती है तो किसी अन्य ईंधन जैसे चीज़ों का भी प्रयोग नहीं कर सकता, तो इस वजह से यहाँ पर देखिए शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया जा रहा है इसे जलाने के लिए, इसे आसानी से आग पकड़ाने के लिए। तो और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में घी भी आया है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी घी से इसे जलाया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा आकार है इसका, तो आप ये देख सकते हैं। मौसम में ठंडक बहुत है और बार बार ये अगरबत्ती का जो ज्वाला है वो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे देखिए पंखे का भी इंतजाम किया गया है। अभी जस्ट ये पंखा लाया गया है जिससे इसकी हवा से इसको प्रॉपर प्रज्वलित किया जाए। जिसकी ब्रिकुटी की गति से ही काल नियत गति पाता है, जिसके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता, ऐसे है हमारे प्रभु। देख सकते हैं पूरी तरीके से जय श्री राम के नारे से गूंज उठा है अयोध्या धाम बस स्टेशन, और इसका कारण है 108 फीट की अगरबत्ती का प्रज्वलित होना। लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, आपने देखा होगा लोग कितने चहलकर्मी के साथ, कितने उत्साह के साथ उस अगरबत्ती को जलाने में लोगों की सहायता कर रहे हैं। जो लोग गुजरात से आए हैं, वडोदरा से जो लेकर के आए हैं, उनका जो सहायता हो रहा है, मतलब बिना कहे एक व्यक्ति गया वहां से पंखा भी लेके आ गया मदद की भावना से, मतलब लोगों में इतना उत्साह है, श्रद्धा ने सबको एक करके रखा है। अंदर से क्या सब चीज पकड़ लगे ना, इसके लिए देना पड़ेगा। और कौन कौन लोग आए हुए हैं आपके साथ? अरे हमें तो कम से कम 35 मानस आए हैं, 35 के करीब लोग आए हुए हैं। 35 तो अभी हमने आपको इस वीडियो में पूरा प्रज्वलन दिखाया, किस तरीके से लोगों में उत्साह है, किस तरीके से लोग जय श्री राम के नारे से गूंज उठे हैं, मतलब पूरे माहौल गूंजा दिया है उन्होंने। और यहाँ पे 108 फीट की अगरबत्ती फाइनली प्रज्वलित कर दी गई, आपको पता होगा पूरे देश की निगाह थी इस पे, ये कब प्रज्वलित होगी, कैसे आ रही है, तो लोगों ने हर जगह पे स्वागत भी किया था इसका, और फाइनली आज इसका दिन आ चुका है प्रज्वलन होने का। बट कुछ कारणों से मैंने आपको बताया था कि ये राम मंदिर परिसर में नहीं जा पाई, लेकिन हाँ अयोध्या धाम बस अड्डे पे इसे प्रज्वलित कर दिया गया है। लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड है, अगर आप आना चाहें इसे देखने के लिए तो इसके जस्ट पीछे
आपका यहाँ पे प्रज्वलन है। अभी तक आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टेक केयर, लव यू ऑल। ऐसे ही अधिक वीडियोस देखने के लिए यहाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बस नए हैं तो बेल आइकन और सब्सक्राइब वाला ध्यान जरूर दीजिएगा। कमेंट में जैसे राम लिख दीजिए, अगर कुछ पसंद नहीं आया तो भी बता दीजिए। लास्ट वीडियो में बहुत लोगों ने कहा था कि आप अपना फेस बहुत इन्वॉल्व कर रहे हो, तो देखिए अगर कोई बात की जा रही है तो फेस इन्वॉल्व करना इज लाइक कंपलसरी थिंग। जब मैं किसी की बात कर रहा हूँ तो चेहरा तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, बिना चेहरा दिखाए ऐसे तो बात नहीं कर सकता आपसे ना, कि कोई बात कर रहा हूँ तो आपको अजीब सा लगेगा। कि ऐसा कुछ हो दिखाने के लिए तो आदमी दिखा भी सकता है, तो इस वजह से प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करा करिए। बाय द वे अगर आपको ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट दिक्कत हो रहा है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश किया हूँ इस ब्लॉग में, शायद वो सुधर गया हो। तो कुछ लोग कह रहे थे कैमरा घुमाओ भी मत, आई विल मैनेज एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ डे सो नेक्स्ट ब्लॉग। टेक केयर, लव यू ऑल। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और हम लोगों का ये था कि शायद और भी कुछ अपडेट होंगी कि ये चीज यहाँ पर लगाई गई है, इतना ये बन गया है, या ये काम यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ जो है वो अगरबत्ती के बारे में बताया गया। लेकिन वो भी सुन के हमें बड़ी हैरानगी हुई कि 108 मीटर लंबी, 108 फीट लंबी जो है वो अगरबत्ती, मतलब कोई छोटी बात नहीं। और देखने में भी पता चल रहा था उसकी मोटाई कितनी ज्यादा थी, मतलब अगरबत्ती का सुन के मुझे ये लग रहा था पता नहीं, मतलब उतनी ऐसी बांस की टाइप की होगी ना, जैसे अगरबत्ती नॉर्मली होती है छोटी सी, लेकिन इसको देखे मतलब कितनी इसकी मोटाई थी और पता नहीं क्या क्या चीजें इसमें यूज की गई हैं और कितने दिन इसको लगे हैं, जैसे तो 15 से 20 दिन तो इसको आने में लगे हैं। तो मतलब पता नहीं कैसे इसको हैंडल कैसे किया गया, कैसे लाया गया, ये मतलब एक अलग जो है ना वो टॉपिक है। लेकिन जिस तरीके से इसको इंस्टॉल किया गया, कितने ही ज्यादा इसके स्टैंड यूज किए गए, तो मतलब ये सारी जो है ना ये वाकई ये तारीफ के काबिल है। और एक बार और जलाने के लिए बल्कि जो जो चीजें यूज की जा रही हैं, देसी घी लाया जा रहा है और मतलब एक बार जल की जाहिर सी बात है फिर ये जो है इसका धुआं निकलता ही रहेगा और ये सारी जो है वो जलेगी, बट एक बार उसको जलाना यही एक बड़ा वो जो है ना वो कहते हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। सो बहुत ज्यादा तैयारी हमें, पहले भी हमने एक वीडियो देखी थी उसमें हमें और तैयारियों का पता चला, इसमें हमें अगरबत्ती का पता था जो कि उस वीडियो में हमें नहीं पता था ना, बिल्कुल उसमें सिर्फ वो जो सर जमीन और वो जितने वहां पे वो चीजें लगाई गई जो बढ़िया टाइप जो लगाई हुई थी उन्हीं चीजों का पता चला, फिर वो जो दहन की जगह थी वो उन चीजों का पता चला, लेकिन इसका नहीं पता था। और ये भी उस मेन मुकाम पर फिक्स नहीं की गई क्योंकि इसको ले जाना बड़ा मुश्किल काम था, इसलिए इसको रोड साइड पे ही फिक्स किया गया। तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो को देखकर। और लास्ट में जो भाई साहब कह कि लोगों ने कहा कि अपना फेस ज्यादा दिखाते रहे, तो भाई आप लोग भी समझो यार, वो ब्लॉग बना रहे अपना फेस नहीं दिखाएगा तो वाकई वो क्या सामने कैमरा रख के बोलेगा, तो ओवरऑल अच्छा था। हाँ अच्छा, मुझे ये अभी जैसे हमने भी पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई अयोध्या के इसके ऊपर और अभी भी बनाई, तो मतलब एक बहुत बड़ा त्यौहार लग रहा है ना, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं हर कोई जो है इसको कवर करने की जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चीज थी जो है वो कवर की जाए। जैसे अभी इस भाई ने जो है वो अगरबत्ती को जो है अपने व्लॉग में कवर किया, तो हर कोई डिफरेंट चीज को जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बड़े त्यौहार की तरह इसको जो है वो मनाया जा रहा है और मेरे ख्याल से जितने भी इनके वो मीडिया के लोग हैं ना सब उधर भी मौजूद हैं कि अच्छा कोई ना कोई छोटी बड़ी जो इसमें अगर कोई भी चेंजिंग हो रही है या कुछ भी अगर उनको नॉलेज मिल रही है तो वो उस चीज को जो है वो कवर करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और वाकई इतनी बड़ी अगरबत्ती की अगर बात करें तो हमने आज तक जिंदगी में इन्होंने भी देखा से पहली दफा जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं उन्होंने देखा है, और बनने की बात है पता नहीं इसको वाकई कितना टाइम लगा होगा बनने का ना। इन्होंने भाई ने कहा था, वो तस्वीर लगी हुई थी उस बंदे की जिन्होंने बनाया, उन्होंने कहा था आगे जाके मैं आपसे मिलवाता हूँ, लेकिन उन्होंने वो बंदे को मिलवाया नहीं है। लेकिन खैर अगरबत्ती की हम बात कह रहे थे कि अगर छोटी सी अगरबत्ती हो तो उसकी पूरे घर में इतनी ज्यादा जो है वो खुशबू फैल जाती है, ये तो इतनी बड़ी है वाकई जितना एरिया पे ये अयोध्या का वो त्योहार होने जा रहा है या कुछ भी पूजा वगैरह, तो हर तरफ इसकी खुशबू जो है वो लाजमी होगी। और बड़ा अच्छा लग रहा था जिस तरह इन्होंने जो वो कवर किया कि वो बोर्ड जो था दिखाया था जो ट्रक के ऊपर लगा हुआ था और जो फाइबर के अंदर जिस अगरबत्ती को लेके आए हैं, मतलब एक एक चीज इन्होंने डिटेल में जो है वो अगरबत्ती की दिखाई, तो बड़ा अच्छा लगा। और इसी तरह मेघा से हमें भी अच्छा लग रहा है, जिस तरह हम अयोध्या में ऐसे लग रहा है कि हम खुद अयोध्या जा रहे हैं ना, व्लॉग्स के थ्रू भी और इस तरह की वीडियोस देखे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारा भी दिल कर रहा है कि हम भी वहां पे मतलब वहां पे जाए, हाँ जा सके और वहां पे देखे कि हो क्या रहा है। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।